अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, के रो हाल, कैसे का, नमस्ते, केम ऑन आछो, वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, हाँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना आज का एपिसोड देख के, सीरियसली बोल रहा हूँ। आज जो कांड किया है ना बिग बॉस ने, पता नहीं क्या बेवड़ा मारा और क्या डिसीजन लिया, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कल रात को जब पता चला था कि जीशान को शो से आउट कर दिया है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जीशान ने पूरा फोड़ दिया होगा प्रतीक को, मस्त प्रतीक को मुक्का उक्का मारा होगा, प्रतीक बेचारा मार खा के कहीं गिरा हुआ होगा, इसलिए जीशान को निकाल दिया। मैंने बोला चलो लेट्स सी, एंड मैं काफी एक्साइटेड था आज का एपिसोड देखने के लिए, एंड मैंने थोड़े बहुत रशेस देखे वूट पे, लेकिन पूरा एपिसोड देखने में, रशेस देखने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। आज जब मैं 7:05 पर मैंने वूट चालू किया, मैंने पूरा का पूरा एपिसोड देखा, आई वॉज फकिंग शॉक्ड मैन। ये चुतिया गिरी की वजह से तुमने जीशान को आउट किया शो में से, ये धक्कम दुक्की की वजह से, धक्का जीशान भी मार रहा था, धक्का या प्रतीक सहजपाल भी मार रहा था, हाँ, ऐसा रूल तुम लोग का है तो सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज तो पहले दिन ही आउट हो जाने चाहिए थे। वो दोनों ने एक दूसरे को पूरा सीजन धक्के मारे, और ऐसे धक्के मारे सिद्धार्थ शुक्ला ने असीम रियाज को, तो दूसरा ये प्रतीक सहजपाल होता तो सिद्धार्थ शुक्ला के धक्के से उड़ के सीधा दीवार फाड़ के निकल जाता था। ऐसे ऐसे धक्के असीम रियाज खाया है, हाँ, असीम रियाज ने भी खुद यहाँ पर सिद्धार्थ को धक्के मारे है। ऐसा होता तो तुम लोग सिद्धार्थ शुक्ला को आज तक क्यों नहीं निकाले रहे शो में से, असीम रियाज को क्यों नहीं निकाले, ये नए लड़के को, ये जीशान, वो मेरा फेवरेट भी नहीं है, मेरे शो में कोई भी फेवरेट नहीं रहता, तुम लोगों को पता रहता हमेशा, ये नए लड़के को पूरा इंस्टाग्राम में फोटो डाला हुआ है, छीला हुआ है, यहाँ से यहाँ हाथ कटा हुआ है। ऑन व्हाट बेसिस डिड बिग बॉस एविक्ट जीशान गए, धक्का इसने ही मारा ये शाणे ने, ये तो शाणा क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या धक्के मार रहा था, और वो छुईमुई सी तुम लगती हो, वो निशांत फूलो जैसी, अरे उससे अगर क्या बोलूं मैं बे, क्या शातिर आदमी है वो, उसका विकास गुप्ता का बाप है वो निशांत, और वो छोटी बच्ची 20 साल की, वो मूस जटाना, वो बाप रे बाप, वो तो मतलब क्या है रे वो दोनों, वो बाप रे बाप, ये बिग बॉस अलग लेवल पे लेकर गए इन लोग ने ये टाइम पर, जो आज हुआ एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग। दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा था, क्या बेसिस पे यहाँ पर तुम लोग ने जीशान को आउट कर दिया शो में से, हाँ, ऐसा था तो उसको भी निकालना चाहिए था, वो प्रतीक को, दोनों लुक्खे आपस में झगड़ा कर रहे रस्ते पर, ये तो वही हुआ, पुलिस आके एक लुक्खे को लेकर चली गई, दूसरे लुक्खे को छोड़ दिया यहाँ पर, हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे को लगा मारा लगता जीशान ने प्रतीक सहज पर, वो फोड़ वोड़ दिया, खून मून निकल दिया उसका, इसलिए उसको निकाल दिया, क्या था ये क्या था भाई, और ये क्या है रे बाबा, ये ड्रामा चल रहा है, ये शमिता आंटी और ये तुम्बिन का, हाँ, क्या वाहियातगिरी चल रही है, वो बर्तन धो रही है, ये आके उसको चुम्मा लेता है, वो बोलती है ओ माई क्रीम इज गेटिंग वाइप्ड ऑफ, ओ प्लीज दिस इज माई क्रीम, आई डोंट लाइक समवन टचिंग मी, तुम्बिन बुढ़ाऊ उन्हीं शमिता शेट्टी को बोल रहे जाकर, ओ यू वॉन्ट योर क्रीम बैक, इट्स ऑन माई लिप्स, क्या है रे ये सब, हाँ, फालतू गिरी, दिमाग घूमिया मेरा, गाय सीरियसली बोल रहा हूँ आज, क्या रो रहा था मिलिंद धावा यार, अरे मैं तो देख ही नहीं पाया बंदे को, बट गाय वो शैटर्ड मैन, वो दिव्या वो बंदी रो रही थी यहाँ पर, मूर जट्टा ना, क्या भिड़ने आती है वो लड़की, मतलब ऐसा मारा मारी और पूरा दिन ऐसा बैठती है, वो पागल हो रहे थे ना और मुझे झगड़ा हो तो ऐसा आती है मारने के लिए, कसम से भाई तुम्हारा ये सीजन ब्लॉकबस्टर है, लेकिन तुम्हारा आज का डिसीजन भैया पूरा छूतिया काम कर दिया भाई आज, हाँ साला हमको साला फंसा दिया भाई तुमने तो, हाँ फंसा दिए हम साले, शेयर रेडिकल गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, मुझे पता है प्रतीक सहजपाल इज मेरा वेरी बिग फैन बेस एंड फैन क्लब, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टुडे डिसीजन वाज नॉट डन, निकालना था दोनों को निकालना था, वरना किसी को नहीं निकालना था, आई डोंट केयर किसी का फैन क्लब बुरा माने या नहीं बुरा माने, आई हैव ऑलवेज बीन फेयर एंड आई एम गिविंग माय रिव्यू, तो मैं कभी भी अपना ओपिनियन ज्यादा देता भी नहीं हूं, आई जस्ट टेल यू द शो एंड आई गो अवे, लेकिन आज बोलना बहुत जरूरी था। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, गाने की शुरुआत हुई अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, ये क्या है भाई, ये बिग बॉस है हा? या हग बॉस है, अरे हग पे हग, मैं तुझको हगू तू मुझे हगू, इस हग का हा? क्या रे हग पे हग कर रहे एक दूसरे को, बताता हूँ क्या सीन है मेरे को, नेहा जो है वो यहाँ पर तुम्बिन के पास लेटी हुई है, गाने के टाइम पर गाना खत्म होता है, नेहा बसिन, नेहा बसिन का मैंने क्लिप देखा आज,
क्या बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, क्या मैं शादी शुदा हूँ, ये वो चीज टचिंग प्रतीक सहजपाल। और प्रतीक सहजपाल क्या दिखा रहा है ये सब बिग बॉस में आके, पैंट और थोड़े नीचे हो जाते तो पूरे सब दिख जाता भाई तुम्हारा आज इस शो में। करण जोहर की तो कोई इज्जत ही नहीं है शो में, वो लड़की दिव्या तो क्या क्या बोल के निकल जा रही करण जोहर को। कब तक सलमान खान नहीं आएगा शो ऐसे चलता रहेगा, क्यों आज मजा आने वाली है। हाँ तो यहाँ पर नेहा प्रतीक को किस करती है, गेम आगे बढ़ता है। अब गावा बेचारा यहाँ पूरा दिल तोड़ बन चुका है, यहाँ वो रैप सॉन्ग बनाया है उसने बिट्रेयल के ऊपर। अब गाइस गावा कहता है कि नेहा ने ये सब प्लान किया हुआ है। शमिता कहती है गावा तू मूव ऑन कर ले, अब नेहा तेरे को छोड़कर चली गई है। नेहा कहती है ओ गाबे मुझे माफ कर दे गाबे, सॉरी गाबे। हाँ गावा कहता है मैं इस घर से जाऊंगा, हाँ अच्छा इंसान बन के जाऊंगा, पैसे लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन नेहा बसीन यू लॉस्ट अ गुड पर्सन लाइक मी, मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ क्योंकि मैंने जीशान जैसा दोस्त पाया, मैं खुश हूँ ज्यादा पैसे कमा के नहीं गया, एंड जैसा इंसान आया तो वैसे ही जा रहा हूँ, मैं फेक बन के नहीं जा रहा हूँ इस घर से। और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। हाँ नेहा बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। नेहा यहाँ पे जीशान और जीशान गाबा को हक करता है, नेहा भी गाबा को हक करती है। एंड गाइस यहाँ प्रतीक कहता है गाबा एकदम टूट चुका है, उसका जो दुख है दर्द है वो गुस्से में तब्दील हो गया, उसके आंसू निकल रहे। गाबा फुल रोता है, एकदम गंदा रो रहा है बच्चे की तरह। गाबा कहता है नाइस मीटिंग यू नेहा, हाँ नाइस सीइंग यू। तो नेहा बोलती तू क्या एलिमिनेट हो रहा है क्या, बोलते नहीं बस मन के इसलिए बोल रहा हूँ। ये देखकर अक्षरा रोना शुरू हो जाती है, गाबा उठ के अक्षरा को हक करता है। हाँ उसके बाद ये देख के यहाँ पर नेहा और लोगों को देखकर यहाँ पर प्रतीक रोना शुरू कर देता है। उसके बाद अक्षरा जो नेहा रहती है वो यहाँ के दोनों हक दूसरे को एक दूसरे को हक पे हक कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर गाबा अक्षरा को हक कर रहा है, प्रतीक रोकता है तो अक्षरा यहाँ पर प्रतीक को हक करती है, फिर वापस जाकर प्रतीक रोता है तो नेहा प्रतीक को हक करती है, एक दूसरे पे हक रहे बैठ के लोग। अब गाइस यहाँ पर प्रतीक अक्षरा को कहता है मुझे माफ कर दो, निशांत कहता है कि यहाँ पर मैंने सबके नए नए नाम रखा हूँ। निशांत भाई इस सदी का ऐतिहासिक प्लेयर, भाई तुम क्या प्लेयर बनेगा ये, और कुत्ते से हरा देगा, इसके सामने विकास गुप्ता फेल है ये निशांत के सामने, ये भाई टॉप क्लास का प्लेयर है ये निशांत के साथ, मतलब विनिंग मटेरियल है लड़का, देखना अभी मेन सीजन में क्या पेलेगा ये सबको। अब गाइस निशांत जो है नाम रखता है सबका, प्रतीक का नाम रखता है एंग्री बर्ड, शमिता का नाम रहता है मैडम एक्स मैडम माया, जो रेखा का नाम है वो, जीशान मुगली है बेचारा, दिव्या विच, मूस स्नो वाइट, नेहा इज एक्समैन की मिस्टिक, तुम्बिन या ग्रैंडफादर क्लॉक बना हुआ है, गाबा गमी बैर, अक्षरा बाहुबली की माँ शिवगामिनी बनी है, एंड जीशान क्या बोलते तुम्हारा प्रतीक जो है वो यहाँ पर निशान का नाम सुपर मारियो रखता है। इतना कहना पड़ेगा अगर तीनों की यूनिटी नहीं टूटने वाली है, प्रतीक सहजपाल मूस जट्टाना एंड निशान खतरनाक ट्रायो है, डेफिनेटली बीवी 15 में जाने वाले हैं लोग। अब गाइस टास्क इस तरह से है कि जीशान एंड दिव्या यहाँ पे बॉसमैन एंड बॉस वुमेन है, यहाँ पर अगर कोई टास्क का रूल ब्रेक करता है तो यहाँ पर उसको एक रेड फ्लैग मिलेगा, पीछे डब्बे दिए गए रेड फ्लैग रखने के लिए, एंड व्हाइट बोर्ड दिया है जहां पर कैप्टन जो है यानी कि बॉसमैन बॉस वुमेन वो नए नए रूल्स बनाएंगे। अब गाइस टास्क ये है कि जीशान एंड दिव्या को जितने भी फ्लैग्स हैं यानी कि रेड फ्लैग्स हैं उनको सबको देखकर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, समझ में आ गया। द गाय हु हैज लेस रेड फ्लैग्स यानी जिस आदमी के पास सबसे कम लाल झंडे होंगे वो यहाँ पर बॉस मैन एंड बॉस वुमन के जो कंटेंडरशिप है उसमें जीत जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा। अब गेम शुरू होता है, निशान गेम इंग्लिश में बात करता है, उसे झंडा मिलता है, नेहा एंड प्रतीक को यहाँ पर दिव्या झंडा देती है। सबसे पहली बात तो दिव्या और निशान ने ये गेम के रूल समझे नहीं थे, ओके गाइस तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिव्या ने जाकर प्रतीक एंड नेहा को लाल झंडे इसीलिए दिए क्योंकि वो किचन में आकर बदतमीजी कर रहे थे। अब भाई तुम लोग टास्क में मूस जट्टाना को देखो, सुबह को ऐसा रहती है और टास्क में तो पागल रहते ना, वैसा हो जाती है। मूस कहती है ओए तुम्हें गेम के रूल्स ही नहीं समझ में आ रहे, तुम लोग पागल हो क्या तुम लोग। हाँ दिव्या कहती है मूस तो एक मैं रेड फ्लैग दे दूंगी, बोले क्या पागलपन है, वो रूल जो इन लोगों ने दो हफ्ते में ब्रेक किया वो नहीं देखना है, अभी चार घंटों में टास्क में क्या हम रूल ब्रेक करते वो देखना है तुम्हें, तुम्हें संचालक बनने भी नहीं आता, गेम्स के रूल भी नहीं आते। अब दिव्या निशान कहते हैं कि हम नए पेयर्स बनाएंगे, शमिता निशान को एक पैर बना देते हैं, दिव्या नेहा को एक पैर बना देते हैं, गाबा एंड मूस को यहाँ पर एक पैर बना देते हैं, एंड गाइस उसके बाद राकेश एंड अक्षरा को एक पैर बना देते हैं। शमिता कहती है कि निशांत तुम यहाँ पर जो झंडे हैं उनको चुरा सकते हो यानी कि चोरी कर सकते हो, उसमें बिग बॉस आ जाता है। अरे भैया आपके गेम में कोई यहाँ पर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही,
कोई जुनून कोई जज्बा नहीं है, हैं? दिव्यांग जीशान आप लोगों को तो गेम के रूल भी नहीं पता, ये कार्य क्या है, सूझबूझ से खेलने भी नहीं आता आपको। तो निशान एंड दिव्या कहते हैं चलो अब निशान और जो जीशान है कहते हैं चलो अच्छे से रूल्स बनाते हैं, लेट्स प्ले द गेम सीरियसली। अब निशान एंड प्रतीक यहाँ पे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो बोर्ड है इस पर हम रूल्स दिखने वाले हैं उसको हम यहाँ पर मिटा देंगे, समझ में आ गया। दिव्या सबको कार्य देना शुरू करती है, प्रतीक सहजपाल कहता है ये टास्क कार्य देने का नहीं है, बराबर से रूल बुक पढ़ लो। इसी में गफलत में निशान जाके जो ब्लैक बोर्ड इस पर रूल्स लिखते हैं उनको वो जाके वाइप आउट कर देता है, इतना हो जाता है। एंड निशान जो है जो मार्कर है लिखने का उसको उठा के फेंक देता है यहाँ पर। अब उसके बाद प्रतीक जो है वो सारे झंडे जो है लाल वाले उसको तोड़ना शुरू कर देता है, घुटने पे खाट 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 15-20 झंडे वो तोड़ देता है, सबको स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब निशान कहता है चलो बोर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो राकेश एंड गाबा को ऑर्डर देता है जो उनको मानना पड़ेगा और उनको रेड फ्लैग मिलेगा कि व्हाइट बोर्ड वापस बाहर निकालो, उसको रब करके रखो, हम इस पे नेल पॉलिश से लिखेंगे। तो अब निशान के पास सर एरोस थे, जीशान क्या करता है जाता है निशान से एरो लेने के लिए। अब गाइस ये तो लास्ट ईयर जैसे ही हो गया कि राहुल वैद्य और जैस्मिन के बीच में एक टास्क हुआ था जहां राहुल वैद्य ने बोल रहा था कि मैं खींच रहा हूं तेरे से, मैं खींच रहा हूं लगेगी, लेकिन उस टाइम पे जैस्मिन ने वुमन कार्ड प्ले किया था एंड रूबीना और जैस्मिन राहुल को बाटल से मारने भी गए थे, पानी भी फेंके थे, तब कहां गया था रूल भाई। ये वही चीज निशान यहाँ पे कर रहा था ये एड़े के साथ निशान के साथ, ये लुक्का निशान पकड़ के रखा झंडा, निशान भाई झंडा खींच रहा था, इसको छोड़ देना चाहिए था झंडा, वो तो खींचेगा ही झंडा ना, वो कैप्टन है उसको झंडे से झंडा खींचेगा, उसमें वो कर रहा आई मां मेरा हाथ मुड़ गया मेरा पैर मुड़ गया वो निशान, हाँ। और प्रतीक सहजपाल फुल धक्कम धुक्की कर रहा है, उसने भी मारे धक्के, इसने भी धक्के मारे, वो खोपड़ी लेके आ रहा है ये भी खोपड़ी लेके आ रहा है, दोनों ही दूसरे को मार रहे थे यहाँ पे धक्का। ऐसा नहीं कि जीशान ने एक बार धक्का मार दिया उसने धक्का नहीं मारा, हाँ एक बार जीशान ने आके बहुत जोर से धक्का मारा, लेकिन वो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, हाँ गाढ़ में दम लेकर आ, हाँ ये सब कर ले, सब प्रतीक बोल रहे हैं उन लोगों को, और मूस तो मतलब मारने के लिए आ जाती है, अगर कुछ भी हुआ प्रतीक सहजपाल को, मेरे को डर लग रहा है करण जौहर प्रतीक सहजपाल को कुछ बोले तो मूस स्टेज पर जाके पेल देगी करण जौहर को, हाँ इतना ऑब्सेशन, व्हाट इज दिस, आर दिस गाइस इवन मेंटली फिट टू बी इन दिस शो, हाँ मूस जटाना कैन बी वेरी डेंजरस इन दिस शो, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा एटीट्यूड लेकर बंदी घूम रही है, ये मारने के लिए आ रहे हैं। और प्रतीक सहजपाल यू आर गिविंग दैट ट्रेट टू दैट गाय, बोल रहे सर फाड़ दूंगा तेरा, बॉटल वॉटल लेके आ रहा है उसको मारने के लिए, हाँ। और दिव्या को कह रहा है बाहर निकल के देख ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं, दिव्या भी बहुत बकवास की उसने, दिव्या बोल रही जा करण जो ऐसे लोगों की चाट, देखो अगर काम चाहिए तो, हाँ। एंड मूस और यहाँ पे फुल दोनों झगड़ा कर रहे हैं बैठकर, जीशान गाय यहाँ उसको छाती जो थी वो कट जाता है, खून निकलना शुरू है, तुम्बिन बोलता है खून निकल रहा है, फिर भी दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे, खोपड़ी से खोपड़ी मार रहे एक दूसरे को, हाँ। प्रतीक अगेन थ्रेटन जीशान, कहते को जान से मार दूंगा जान से मार दूंगा, दिव्या इन दोनों के बीच में आ रही है, हाँ। लेकिन दोनों फिर से एक दूसरे को पुश करते हैं, जीशान भी अपना आपको खो देता है, जीशान प्रतीक को कहता है ब्रेनलेस फक्कर बिग बॉस, पता नहीं ब्योड़ा कहाँ बैठा था पी रहा था दारू बैठ के, बोलता अरे भैया मारा मारी मत कीजिए सूझबूझ से कार्य कीजिए। अब गाइस यहाँ पर निशान कहता है कि जीशान पुश कर रहा है, निशान इंस्टिगेट कर रहा है, मिलिंद गावा कहता है वॉच योर माउथ, मिलिंद गावा आज पहली बार देखा इतना गुस्सा होते हुए, मिलिंद गावा बोल रहा है को भाई कौन 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 किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, वो जरा भी इंस्टिगेट नहीं कर रहा है निशान को, प्रतीक इंस्टिगेट कर रहा है यहाँ पर, समझ में आ गया, हाँ। अब दिव्या और प्रतीक एक दूसरे के मुंह से मुंह आ रहा है, बीइंग अ वुमन यहाँ पर कोई वुमन कार्ड की बात नहीं हो रही है, प्रतीक सहजपाल ने पहले भी कर चुका है, यहाँ पर फुल फेस टू फेस आ रहा है वो दिव्या के साथ, कोई दिव्या को बचाने के लिए नहीं आ रहा, हाँ। एंड प्रतीक कॉन्स्टेंटली यहाँ पर दिव्या को मंद बुद्धि बुला रहा है, अक्षरा बोल भी रही है मन बुद्धि मत बुलाइए, हमारे घर पे मन बुद्धि है मत बुलाइए, गाबा तो चिल्ला रहा है मत बोल 5-6 बार चिल्लाया उसने, हाँ। एंड राकेश कह भी रहा है प्रतीक को कि गाइस डोंट गेट फिजिकल, ये सब बिग बॉस को दिखाई नहीं दिया, ये दिखाई दिया कि वो जीशान ने धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया, दोनों एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, और मूस जट्टाना भी इस बीच में आ रही थी, जीशान कह रहा है प्रतीक ने मेरे को स्क्रैच किया है, मूस यहाँ पे कह रही है, मूस फुल भौंक रही है, कह रही है मूस भौंक रही थी, तब निशान ने नहीं बोला आकर कि बीच में मत आओ झगड़े में, जब दिव्या यहाँ पर आई बीच में झगड़ा रोकने के लिए तब जाके निशान दिव्या को ज्ञान दे रहा है तू मत बीच में आ, तेरा मैटर नहीं है, क्यों भेजा तेरी छोटी बटली वो बॉयकट वो आके बीच में रोक रही थी, तब तो नहीं मुंह खुला तुम लोग का बोलने के लिए, हाँ।
ये मूस निशान प्रतीक है ना, आगे जाके बहुत खतरनाक ट्राय होने वाला है। देखना राड़ा करेंगे, मारामारी भी करेंगे। गाबा कह रहा है दिस गाइस आर मैड। गाबा सही कह रहा है, दिस गाइस आर रियली मैड। बिग बॉस बोलता है भैया हम तो जा रहे हैं, हमें टास्क रद्द कर दिए हमने। हाँ बिग बॉस कहते हैं जीशान एंड दिव्या तुम लोग को रेड फ्लैग्स नो मदद वो करने के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए गए थे, नए रूल्स बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन तुम बॉसमैन जीशान तुमने रूल्स तोड़ दिया। हाँ जी तुमने हाथापाई की, तुमने बल का ही प्रयोग किया, इसलिए मैं तुमको निष्कासित करता हूँ। फक मा आर यू सीरियस इस चीज के लिए? मेरे को लगा ये सब बोलने का जीशान मारेगा, और प्रतीक यस 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 कर रहा था। मैं अगर होता था ना प्रोग्रामिंग हेड डिपार्टमेंट में, उस देखो भी निकालता साथ में इसके। अरे वो शो से एलिमिनेट हो रहा है यार, हैव सम सिंपैथी मैन, सम एम्पैथी ऑन दैट गाय हू ब्लडी एंजॉयिंग। उसका भी करियर, वो भी करियर बनाने गया था लड़का है शो में। हाँ तो जानता था नहीं वो लड़के को, लेकिन फिर भी देख के सिंपैथी आई उस बंदे के ऊपर। हाँ एंड यहाँ पर दिव्या एंड गाबा वो बेचारे बोल भी रहे, माफी मांग ले जीशान, जीशान माफी मांग ले, और मूस बॉयकट, क्या लड़की है वो जाके जीशान से हक कर रही है जाकर। 2 मिनट पहले उसके खून की प्यासी थी, हाँ गंजी, वो जाके हक कर रही है जाकर उसको जाकर। मेरे को बहुत गुस्सा है सीरियसली इन लोग पे आज। ये निशांत और एक टीम पे ना दिमाग फूट गया, मतलब देख नहीं पा रहा था उन लोग को, मैं मोबाइल से इधर उधर देख रहा था बैठकर। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना डबल ड्रो की, इतना ड्रामा, पति खुश हो रहा है आउट हो रहे हैं लोग तो। क्या ये रूल है क्या? सिद्धार्थ को क्यों नहीं निकाले शो में से? असीम को क्यों नहीं निकाले तुम लोगों ने? अक्षरा कहती है पहले प्रतीक ने मारा। दिव्या कहती है जीशान पे दो दो लोग चढ़ गए थे, जो कि सही था। जीशान वॉज बैटलिंग 2 पीपल, प्रतीक सहजपाल एंड निशांत, बोथ ऑफ देम वर ऑन जीशान, तो वो अपने सेलिब्रिटी में धक्का ही तो मार रहा था। हाँ निशान कहता है नहीं, जीशान ने स्टार्ट किया। निशान कहता है कि जी ने प्रतीक को धक्का मारा। हाँ प्रतीक कहता है बिग बॉस मेरा बाप नहीं है, बिग बॉस मेरे से बायस नहीं हो सकता है। हाँ दिव्या फुल ब्रेकडाउन, ऑब्वियसली डिप्रेशन में आ जाएगी, कौन है उसका घर में? कोई भी नहीं है। हाँ और निशान यहाँ पे हंस रहा है शमिता को देख के, मतलब क्या कमीनेपन की लेवल क्रॉस किए इन लोगों ने। हंस रहा है ऐसे सिचुएशन में, मूस जट्टाना भी हंस रही है और शमिता यहाँ पे क्या हुआ तुम लोगों को बताता हूँ मैं। निशान चला गया घर से, चला गया बेचारा, इज आउट, नो वन कैन डू एनीथिंग नाउ। ये रो रही थी बेचारी दिव्या, ऑब्वियसली उसका पार्टनर चला गया, रो रही थी कि मेरे डैड भी मर गए, माय डैड यूज्ड टू पे ऑल द बिल्स एंड ऑल दैट, एंड बेचारा तुम भी ना उसको सहानुभूति दे रहा था। शमिता शेट्टी, लुक एट द वुमन शी इज मैन, व्हाट फीमेल आर यू मैन? अ गर्ल इज क्राइंग रिमेम्बरिंग अ डेड फादर, एंड तुम बीइंग द ह्यूमन बीइंग ही इज प्रोटेक्टिंग दैट वुमन, हाँ ही इज लिसनिंग टू दैट गर्ल, एंड यू आर लाइक आई डोंट लाइक दैट वुमन, आई हेट हर, व्हाई यू सिटिंग विथ हर, यू आर अ जर्क शमिता शेट्टी, यू आर अ जर्क यार, ऑनेस्टली तुम भी बोल रहा है उसका बाप मर गया, मैं सुन रहा हूँ क्या बोल रही है। हाँ शमिता कहती है डोंट गिव मी एन एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, तुम भी साला एकदम फुल केला आदमी है वो एकदम। वो शमिता को हक कर रहे जाके वहां पर, शमिता कहती है आई हैव सीरियस ट्रस्ट इश्यूज, मूस एंड निशान यहाँ पे फुल हंस रहे, हा 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 कर रहे है, तुम भी हक कर रहे है शमिता को, क्या ड्रामा चल रहा है फुल, शमिता शेट्टी इतरा रही है, ये तो बहुत बड़ी वो है, ये घर की मालकी नहीं है। हाँ तुम भी फुल पप्पी दे रहे दोनों दूसरे को, मुंह पाँव खिला रहे बैठ कर, और सोनो हंस रहे थे वो मूस जट्टाना और निशान। हाँ गावा क्या रो रहा था अंदर बैठ के फुल, तो मतलब फट गई थी उस बंदे की, बोलता मैं मेरा छोटा भाई था चला गया इस शो में से, ये जेल है मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ पर। हाँ और बिग बॉस बोलता भैया आज का रिपोर्ट ठीक ठाक था, मैं उतना चप्पल लेके मारता कसम से बोलता हूँ, ये ठीक ठाक था, ये मारा मारी कर लिए घर में, रो रहे पब्लिक, ये ठीक ठाक था। कुछ भी इन लोग बताते हैं, कुछ भी अपने मन से इन लोग बोल देते हैं, अच्छा है प्रदर्शन, ठीक ठाक प्रदर्शन है। हाँ सीरियसली मैन, और क्या दंड मिला है? कल जिम नहीं यूज कर सकते, अबे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे जिम यूज, और 2 घंटा गैस रहेगा खाली सुबह को। हाँ दिव्या कहती मैं बदतमीजी नहीं कर सकती, और दिव्या ने तो भाई हाथ क्रॉस कर दिया, करण जोहर को फुल टॉपिक मिल गया, पूरा संडे का करण जोहर यही मस्ती करने वाला है। दिव्या ने क्या बोला सुन लो, दिव्या बोलती मैं बदतमीजी नहीं कर सहन कर सकती हूँ, कोई सामने से अगर करेगा तो क्या करूंगी मैं, करण जोहर क्या करेगा, शो से निकाल देगा ना, कलाकार हूँ कहीं भी काम मिल जाएगा, करण बॉलीवुड का राजा होगा, तो तू बॉलीवुड का राजा है तो जो बोलेगा सब लोग सुनेंगे, मेरा ही तूने इतना खराब इंप्रेशन बना दिया। हाँ सो व्हाट, अगर करण जोहर एक्शन लेना होगा फिर से मेरे वीकेंड वार पे एक्शन ले लेगा, लेकिन मैं गलत सुन के नहीं लूंगी यहाँ पर। हाँ
अब दिव्या जो है मूस दिव्या से बात नहीं कर रहे, मूस चढ़ गई दिव्या के ऊपर झगड़े में। अपेरेंटली दिव्या निशांत का कुछ बात कर रहे थे तो मूस गॉट इनसिक्योर एंड मूस को ऐसा लग रहा है कि दिव्या जो है वो निशांत को ऐसे छीनना चाहती है। दिव्या को लेकर इतना इनसिक्योर हो, शमिता को लगता है कि वो बुड्ढे तुम भी इनको छीन लेगी वो, हाँ ये मूस जट्टाना को लगता है कि वो निशांत को छीन लेगी। अरे इतना इनसिक्योरिटी है तो क्या ट्रस्ट है तुम में, घंटा का ट्रस्ट है? हाँ दिव्या कहती है मूस अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो व्हाट यू विल डू, यू कैरेक्टर असैसिनेट मी। हाँ मूस कहती है आई हैड यू वांट टू निशांत सो आई रिमूव माय एंगर ऑन यू। दिव्या से बोलती है मुझे मूस निशांत नहीं चाहिए मेरे को, मैं बस दोस्त रहूंगी तो अपने कनेक्शन के साथ रहे। मूस के एटीट्यूड दिखाती, बोलती आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, सीरियस एटीट्यूड, सीरियस एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसमें। और वहां पर क्या मतलब मेरे को मन कर रहा है बोलने के लिए, तो मैं गाली नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, आज सीरियसली बोल रहा हूँ, फट गया तो मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी। शमिता बर्तन धो रही है, ये तुम्बिन वहां जाता है, बोलते है शमिता उसको पप्पी देता है, यहाँ पे बोलते क्या लगाया है तुमने, सब मेरे होंठ पे आ गया शमिता, क्रीम लगाया है मैंने, कब धो रही है, बोलती तुमने क्रीम लगा लिया, तुम भी क्या बोलते है पता है, बेबी द क्रीम इज ऑन माय लिप्स यू वांट इट बैक, फोन है ना पटकने का मन कर रहा है एकदम। माता घूम गया गाइस मेरा, सीरियसली गाइस सीरियसली, आई मैंने पूरा सिद्धार्थ और असीम का सीजन रिव्यू किया, मेरा इतना दिमाग हाइपर कभी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस ने आउट नहीं किया दोनों में से किसी को, आ लड़के को अनफॉर्चुनेटली निकाल दिया। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, क्या लगता है दोनों को निकालना चाहिए था या किसी को नहीं निकाल, मेरे हिसाब से किसी को नहीं निकालना चाहिए था, ये सब इतना तो पुश चलता है यार ये सब। हाँ भाई इतना बोलना चाहूंगा ये सीजन है ना ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर। ओ भाई निशांत मूस एंड प्रतीक सहजपाल गारंटी देता हूँ बिग बॉस 15 में ना कांड करेंगे इन लोग, जो भी आ रहे खेलने के लिए एंटर एट योर ओन रिस्क, इनके लेवल का आना नहीं आओगे ना कुचल के निकल जाएंगे तुम लोगों को। एंड बॉय ये क्या क्या रहे हो शमिता और तुम भी इनका क्या टाइम पास दिखा रहे तुम लोग। मैं अमन सारी साइनिंग ऑफ, यू गॉट सी वेरी सून एज ऑलवेज, से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।